हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मीठे में एक रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपको सूजी के हलवे की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे की रेसिपी देखिए। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है, तो मैंने यहाँ पे एक कप भर के सूजी ले ली है। ये मैंने बारीक सूजी का यूज़ किया है। आप चाहें तो बड़े दाने वाली भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, बट बारीक सूजी में आप हलवा बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने यहाँ पे एक कप भर के बारीक सूजी ले ली है। ये क्वांटिटी में बोलेंगे तो 200 ग्राम के करीब ये सूजी है। मैंने यहाँ पे एक कप भर के चीनी लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने इसमें बादाम और काजू ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच किशमिश लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नारियल ऐसे ही कट करके पीस पीस में ले लिया। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा हलवे में आता है। आप एक बार इसको बना के ट्राई करेंगे, आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, अभी सूजी का हलवा बनाने के लिए मुझे शुगर सिरप तैयार करना है। तो चलिए अभी सबसे पहले शुगर सिरप बनाते हैं। यहाँ पे मैंने गैस में एक पैन चढ़ा दिया। आप चाहें तो कोई भगोना भी ले सकते हैं या बाउल भी ले सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो उसमें शुगर सिरप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कप पानी लिया है। ये पानी 250 ml है। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है क्योंकि हमें इस हलवे में हम दूध का भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो चीनी आपको बताई थी वो ले लिया है, शुगर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको चीनी मेल्ट होने तक ही पकाना है। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें इसको मेल्ट करना है। तो हम थोड़ा सा ऐसे इसको चला देंगे तो हमारी ये जो चीनी है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए, जब तक ये हमारी शुगर सिरप बन के तैयार हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा सूजी को भून लेते हैं अच्छे से। तो चलिए, इसको हम दूसरे बर्नर में चढ़ा देंगे। और यहाँ पे मैं एक पैन ले लिया है। अभी पैन में हम ये सूजी अपना डाल देंगे। अभी मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनना है, फ्राई नहीं करना है, हमें इसको अच्छे से भूनना है। इसका जो भी मॉइस्चर हो वो सारा अच्छे से सूख जाए। तो हमें इसको थोड़ी देर तक भूनना है। जब इसमें अच्छी सी स्मेल आने लगेगी, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तब हम भूनना बंद कर देंगे। तो इसको अच्छे से अभी हम भूनेंगे जिससे कि हमारे हलवे का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए, हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। भुनने जब हमारी सूजी अच्छे से भुन जाएगी तो उसमें एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आएगी जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो चलिए, अभी ये सूजी भुन गई है तो इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने जो पैन में अभी सूजी भुनी थी उसी पैन को हम सूजी निकाल के अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 बड़े चम्मच के करीब घी, क्योंकि जब तक इसमें घी अच्छे से नहीं पड़ता है हलवे का टेस्ट नहीं आता है। तो हम इसमें अच्छे से घी डालेंगे। तो ये देखिए, घी हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है। तो हम अपने ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनको अच्छे से भून लेंगे। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको बाहर निकाल देंगे। भूनने से क्या होता है, हलवे में बहुत ही अच्छा अच्छा भुना हुआ घी में तला हुआ फ्लेवर आता है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, अब इनका कलर चेंज होने लगा है। तो चलिए, ये हमारे काजू बादाम भून चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें किशमिश जो हमने लिए थे वो ऐड कर दूंगी, उनको भी अच्छे से भून लूंगी। तो ये देखिए, जब किशमिश अच्छे से भून जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं घी में। तो चलिए, ये भी भून गए हैं, इनको भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब ये जो हमने गरी ली थी सूखा नारियल, उसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा कलर, इसका भी नारियल का भी कलर चेंज हो गया है। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सूजी ली थी
वो इसमें घी में भून लेते हैं। चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए हमारा सूजी अच्छे से भुनने लगा है और इसका कलर भी देखिए चेंज होने लगा है, हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। तो ये देखिए ये सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो इसका ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर चेंज हो रहा है, एकदम गोल्डन कलर का हो रहा है। ये थोड़ा गीला होने लगा है, मतलब कि ये घी इसमें जो मैंने डाला था वो रिलीज हो रहा है। सूजी अच्छे से भून चुकी है, वो घी जो है वो बाहर निकल रहा है। तो चलिए ये हमारा गोल्डन कलर का हो गया सूजी। अब मैं जो शुगर सिरप बनाई थी इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें एक कप मैंने दूध लिया है, बट हम थोड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे जितना इसमें जरूरत होगी। तो मैंने अभी हाफ कप दूध डाला है। इससे दूध डालने से सूजी के हलवे का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप सूजी का हलवा बनाएंगे तो एक कप सूजी लिए, एक कप शुगर सिरप और एक कप दूध मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अभी आपको ये गीला लग रहा होगा बट धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। इसमें ऐसे ही हाथ से तोड़ के एक इलायची ऐड कर रही हूँ जिससे कि इस हलवे में इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैंने यहाँ पे 10 मिनट पहले ही थोड़ा सा केसर दूध में भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फूड कलर नहीं यूज कर रही हूँ। तो मैं ये केसर का पानी इसमें दूध में जो केसर भिगोया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और प्लस कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अगर आपको और भी ज्यादा अच्छा कलर चाहिए तो आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो मैं इसमें आधा चम्मच घी और ऐड करूंगी। घी से ही इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसको अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए हलवे का कलर चेंज हो गया है। तो मैं इसमें जो हमने भून के ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो सारे ऐड कर लूंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं बचा रही हूँ बाद में गार्डनिंग सीन के लिए। तो ये देखिए इसका कितना ही अच्छा कलर आया है और ये इसकी स्मेल जब आप बनाएंगे इतनी ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अभी इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। चलिए अभी इसको बाउल में निकाल लेते हैं। और अगर आपका हलवा गाढ़ा हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें दूध या पानी और भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि सूजी काफ़ी पानी या दूध ऑब्जर्व करती है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। थोड़े से हम केसर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मेरा सूजी का हलवा बनके तैयार है। इसी तरीके से आप अगर घर पे सूजी का हलवा बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके घर में सभी लोग सूजी का हलवा बहुत पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी उनको लगेगा और आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी सारी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट जो रेड कलर का बटन दिख रहा है इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए और मेरी नई नई रेसिपी का मज़ा उठाइए। और प्लीज़ मेरी रेसिपी को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।